चलिए रुख करेंगे इंदौर की तरफ। खबर मिल रही है जहां आपस में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डंडे से हमला बोल दिया है। डंडे से हमले के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्षद अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि बोरिंग के पानी को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद पैदा हुआ था, जिसमें डंडे तक चलाए गए हैं। इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र के रविदास नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो कुछ तस्वीरें मौके से सामने आई हैं। इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र के रविदास नगर की तस्वीरें हैं। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने थे। शिकायत की गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डंडे से पीटा है। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। स्थानीय संवाददाता अखिलेश सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ ये मामला था और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुहेल, ये जो पूरा मामला है ये हीरा नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर रविदास नगर कॉलोनी में भारत माता मंदिर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और उसी को लेकर जो भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो दावेदार हैं, वो कहीं ना कहीं पर जनता के बीच में अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पहुंचे हैं। तो उसी दौरान वहां पर एक ट्यूबवेल हो रहा था, उसी को कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता दोनों अपने सोर्स से बता रहे थे कि हम लोगों के द्वारा लगवाया जा रहा है, और उसी बात को लेकर इन लोगों को दोनों बीच में विवाद हो गया था। और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। उस दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और बीजेपी कार्यकर्ता है आपस में भिड़ गए और लाठ डंडों के साथ यहाँ पर इनके बीच में हाथापाई हुई थी। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने समझाइश दी थी, लेकिन ये फिर भी नहीं माने। उसके बाद जो पुलिस मौके पर पहुंची थी और फिर पुलिस ने दोनों जो कार्यकर्ता हैं इनको थाने लेकर पहुंची थी और बंद कमरे में सीएसपी ने जो नेता है इन लोगों से बात की और उसके बाद जो विवाद है इसको सुलझाएगा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता दोनों ने थाना के घेराव किया था और उसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है लगातार। चलिए आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया खबर दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।